ये नजर डाल लेते हैं अब इस वक्त के वोटिंग ट्रेंड के ऊपर। कैसी लगी आप लोगों को जर्नी वीडियो मुनावर फारूखी की? 24 मिनट की थी। और मनारा की जर्नी वीडियो कैसी लगी? 26 मिनट की थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बस ये था कि कुछ चीज़ें मिस थी। और आखिरकार करें तो बिग बॉस क्या करे, अगर मनारा की जर्नी वीडियो में पूरी चीज़ें डालने बैठ गए तो पूरा एपिसोड बन जाएगा। अगर मुनावर की जर्नी वीडियो में सब चीज़ें डालने बैठ गए तो भाई दो दो एपिसोड बन जाएंगे। तो इसीलिए बिग बॉस ने इसको कम में जो है ज़्यादा दिखाने की कोशिश की। चलो कोई बात नहीं, जर्नी वीडियो थी बहुत अच्छी। और अभी जर्नी वीडियो के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, आप लोगों को तो पता ही है। तो अब जो है पहले नंबर पे कौन है? ऑफ कोर्स मुनावर फारूखी ही रहेंगे। ऐसा तो कहीं भी हो ही नहीं सकता कि मुनावर फारूखी के बारे में मैं बोलूं कि वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं। ये मेरी जुबान से ये बात निकल गई भाई, जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं ली जा सकती, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए सोच समझ के बात करनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। तो मुनावर फारूखी पहले नंबर पे और हमेशा रहेंगे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अभिषेक, तीसरे नंबर पे क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है? मतलब कि तीसरे नंबर पे अब तक तो अंकिता लोखंडे ही थी, तो अंकिता लोखंडे तीसरे नंबर पे? ना, अंकिता लोखंडे नहीं, मनारा चोपड़ा है तीसरे नंबर पे। मनारा चोपड़ा की जैसे ही जर्नी वीडियो देखी है, लोगों को बहुत पसंद आया। मनारा की जर्नी वीडियो पसंद आई है, मनारा पसंद आई है। मनारा ने जिस तरीके से अपने आप को हैंडल किया है, पहले वो डिपेंडेंट लग रही थी, फिर वो इंडिपेंडेंट लग रही थी, जो कि लोगों ने भी ये चीज़ फील की थी जर्नी में। और जर्नी वीडियो जो है लोगों को पसंद आई, और उन्होंने इस चीज़ को जर्नी में भी देखा, बिग बॉस के एपिसोड्स में भी देखा, और इस जर्नी वीडियो में भी उस चीज़ को ही फील किया। तो चौथे नंबर पे है अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे को तो भाई बड़ी क्लीन चिट देने की कोशिश की है, पर आज उनके पति विक्की भैया जो है दिखाई दिए थे। तो उनका कहना ये है कि टक्कर तो अभिषेक दे सकता है, मुनावर तो देगा ही, मनारा भी दे सकती है, पर वो विनर चाहते हैं कि उनकी पत्नी अंकिता लोखंडे बने। ऐसा तो ना हो पाएगा विक्की भैया, विनर तो एक ही बनेगा और डोंगरी लेके जाएगा वो। पता है ना मुनावर फारूखी है वो, और इनको भी पता है, पर फिर भी दिल रखते हैं अपना। चलो कोई बात नहीं, रख लो, सबके दिल होते हैं। और पांचवें नंबर पे अरुण है। अरुण का कुछ भी दिखाया नहीं गया, आज कुछ भी नहीं दिखाया गया अरुण का। ना आज एपिसोड में कुछ था अरुण का, ना जर्नी वीडियो में कुछ था अरुण का, ना प्रोमो में कुछ था अरुण का, तो कुछ भी अरुण का लास्ट में था नहीं। तो पांचवें नंबर पे जितने वोट थे उतने ही हैं, और लोग तो सिर्फ मनारा और मुनावर के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पर बस और बस मुनारा ही छाए हुए हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।